हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड नए नए स्टडी प्लान्स आते रहेंगे। तो माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम राणा एंड आई एम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आई कंप्लीट माई MBBS फ्रॉम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जून FMG एग्जाम 2022। So in this video guys, we are talking about the NMC draft which is released on the 4th of March 2022 and इस draft के related guys, मतलब इस draft में मतलब जो भी queries वगैरह है basically सारे लोगों को मतलब एक date mention की गई है, like उसमें मतलब mention की गई है 18th November 2021 I guess, yes हाँ, तो 18th November 2021 NMC ड्राफ्ट के रिलेटेड मतलब काफ़ी सारे इस NMC ड्राफ्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को क्वेरीज है कि मतलब ये NMC जो ड्राफ्ट है मतलब इंटर्नशिप का नो फीस वाला है, स्टाइपेंड वगैरह का है, तो ये किस पे एप्लीकेबल होगा और किस पे नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्होंने एक डेट मेंशन किया हुआ है अंदर, जो आप डेट देख सकते हो 18th November 2021 का है कुछ शायद से। तो उससे पहले गए हुए लोगों के पे लागू पड़ेगा या उसके बाद वाले पे लागू पड़ेगा, उसके रिलेटेड मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली ये सारे डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगा कि किस पे मतलब ये एप्लीकेबल होगा और किस पे नहीं होगा, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना गाइस, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस NMC ड्राफ्ट के अंदर है वो सारा आपको क्लियर होते जाएगा। तो गाइज पहले बात तो ये कि हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलर में क्या क्या बात हुई थी जो कि फोर्थ। इसके साथ ही मैं दो और डॉक्यूमेंट भी मतलब अटैच कर दूंगा, तो उससे आपका जो भी सारा कन्फ्यूजन है वो डेट के रिलेटेड कि मतलब किस पे एप्लीकेबल होगा वगैरह वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वाला फेब वाले ड्राफ्ट है उसका भी इन्फॉर्मेशन इस ड्राफ्ट में दिया गया है, इसलिए ये सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है गाइज। तो आपका ये सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूंगा, आगे आगे जैसे पॉइंट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो गाइज पहली चीज़ तो ये कि इस जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है उसको लेके काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन है कि 18 नवंबर 2021 लिखा हुआ है कि किस पे लागू होगा, या मे बी इससे पहले जो गए स्टूडेंट्स उन पे लागू होगा, पहले जो स्टूडेंट्स है उन पे लागू होगा, जो कि डेडलाइन दी गई है 18 नवंबर की। बट ये डॉक्यूमेंट समझने के लिए आपको जो तो पिछले दो ड्राफ्ट है जो कि NMC ने फेब्रुआरी में रिलीज किए थे वो समझना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि उसी के रिलेटेड ये सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये ड्राफ्ट के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं आगे इस ड्राफ्ट के रिलेटेड। तो दो डॉक्यूमेंट समझना जरूरी है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट दिखा होगा ना तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि इंटर्नशिप का फीस पे करना नहीं है तो वो किस पे लागू होगा। मतलब इस ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई है कि जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स है जिनका इंटर्नशिप मतलब चाइना वगैरह से हो गया, यूक्रेन वगैरह से हो गया, उनका आधा छूट गया है, लाइक कोविड की वजह से मतलब चाइना वालों का इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस ड्राफ्ट में कही गई है गाइस, जो कि आपका आप NMC ड्राफ्ट देख रहे होंगे अभी। तो जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट मतलब वो उस ड्राफ्ट के रिलेटेड है, NMC ने फेब्रुआरी में रिलीज किया था, तो उसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो वो ड्राफ्ट भी मैं आपको समझा दूंगा, तो ताकि आपका पूरा भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये जो पोर्शन है वो FMG का इंटर्नशिप या स्टाइपेंड के रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है वो उसके रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स नहीं है, बट क्या है कि ये कंबाइन दिया गया है, इसीलिए मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ये मतलब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। जो कि ये चार पॉइंट है वो एक ड्राफ्ट NMC ने मतलब रिलीज किया था 22 फरवरी को। बेसिकली जो भी आप फिफ्थ और सिक्स पॉइंट देख रहे हो वो इन लोगों के लिए जिनका इंटर्नशिप बीच में छूट गया था कोविड और वॉर की वजह। तो ये भी आया था कि आपको जो सिक्स पॉइंट है उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको FMG जो है उनको इंटर्नशिप के लिए जो फीस पे करनी पड़ती है, लाइक फीस जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस है स्टेट काउंसिल के द्वारा दी गई है, वो तो उसमें भी मतलब वो पे नहीं करना पड़ेगा, प्लस स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलेगा एज अ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। तो देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी आगे। ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके ऊपर कोई भी डेडलाइन नहीं है गाइस, इसके ऊपर कोई डेडलाइन वगैरह नहीं है कि मतलब ये कहाँ से एप्लीकेबल होगा या किस पे एप्लीकेबल होगा, इसका कोई भी डेडलाइन नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में अभी ये NMC ने जो ड्राफ्ट निकाला है इसके बारे में अभी वो लोग स्टेट काउंसिल से मतलब डिस्कस करेंगे, लाइक स्टेट वाले उनका ओपिनियन देंगे, क्योंकि हर एक इंटर्नशिप
हर एक पर्सन अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट काउंसिल के थ्रू ही अप्लाई करेगा। जैसे मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे जीएमसी में जाना पड़ेगा, गुजरात मेडिकल ऑफ काउंसिल, उसके उसमें जाके मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो यूपी वगैरह साइड से है वो उनको यूपी जाना पड़ेगा, जो पंजाब साइड से उनको पंजाब मेडिकल काउंसिल जाना पड़ेगा। तो हर एक स्टेट का एक अलग अलग मेडिकल काउंसिल बना हुआ है, तो उनको बेसिकली वहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उन लोगों को इंटर्नशिप करने के लिए। और उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें उनके अकॉर्डिंग ही मतलब अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। जैसे गुजरात में मतलब आई गेस 1 लाख रुपये स्टाइपेंड अभी बीजे मेडिकल का, यूपी में मतलब 20-30,000 है, पंजाब में 35-40,000 है आई गेस, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे बेसिकली गुजरात का तो पता है फॉर श्योर कि वहाँ पे बीजे मेडिकल में 1 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। मतलब जो इनकम्प्लीट इंटर्नशिप वाले हैं तो वो अभी के ही होंगे जो COVID-19 से हिट हुए हैं, या तो मतलब जो अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उससे हिट हुए होंगे, तो वो लोगों का इनकम्प्लीट इंटर्नशिप है। लाइक आपने 2 महीना किया होगा, 3 महीने किया होगा, तो वो आप इंटर्नशिप यहाँ पे इंडिया में आके पूरा कर सकते हो। तो ये बेनिफिट उन लोगों के लिए ही होगा जो कि वॉर वगैरह के सिचुएशन में आए थे या COVID-19 के सिचुएशन में आए थे, बाकी किसी पे भी ये रूल लागू नहीं होगा गाइस। तो बेसिकली गाइस कैसे है कि अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया लाइक इंटर्नशिप का अमाउंट वगैरह स्टेट काउंसिल की तरफ से डिसाइड किया जाता है। तो जैसे कि मतलब एक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का अगर किसी के पास डोमिसाइल है, जो बंदा मतलब यूपी से बिलोंग करता है, अगर उनके पास यूपी का डोमिसाइल है तो वो खुद ही मतलब यूपी में अप्लाई कर सकते हैं, और उनको प्रीवियस रूल के हिसाब से 1002 के रूल के हिसाब से भी उन लोगों को इंटर्नशिप का पे नहीं करना है आई गेस। वैसा कोई कोई स्टेट में रहेगा, बट बेसिकली मुझे यूपी का आइडिया है, तो यूपी में ये चीज़ लागू हो रही है कि उनको अभी भी अगर कोई यूपी का पर्टिकुलर पर्सन है और उनके पास डोमिसाइल रहेगा यूपी का, तो उनको इंटर्नशिप का अभी भी कोई अमाउंट पे नहीं करना है। बट हाँ, जो नया रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से अभी तक किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने अपना ओपिनियन नहीं दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी टाइम के साथ साथ चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट होती रहेगी और आपको जो भी आगे का अपडेट रहेगा वो मिलता रहेगा। बाकी तो मैं वो 2 ड्राफ्ट भी इसके साथ मतलब इंक्लूड कर दूंगा। फर्स्ट ड्राफ्ट जो रहेगा उसमें मेंशन किया गया है कि एक्चुअली वो 2 ड्राफ्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हे गाइस, अभी मैंने NMC का जो 22 फरवरी का ड्राफ्ट था वो मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर मतलब सारे FMG के रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि 2002 में एप्लीकेबल हो गए। तो टू होम डू यू स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 अप्लाई, तो इसके अंदर गाइस डेट मेंशन किया गया है कि मतलब प्रायर टू 18 नवंबर 2022, तो इससे पहले के जो भी स्टूडेंट्स गए हैं उन पे ये सारी चीज़ें लागू होगी, और जो कि अपनी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उन पे भी लागू होगी। तो ये सारे मतलब ये एक जो पहला कैटेगरी है कि मतलब 18 नवंबर से पहले पहले जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनके ऊपर ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे अप्लाई होंगे। बाकी उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होगी। व्हाट इज़ द मेन प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, हम लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, क्या पर्पज़ है उसका, वो सारा चीज़ें दिया गया हुआ है। तो ये इस ड्राफ्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार इसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, या तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी इधर दे दूंगा, तो आप उसमें भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर दिया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, तो जो कि हम लोग को नॉर्मल पता ही है, फॉर्मेट ऑफ FMG क्या होगा, पैटर्न वगैरह क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ FMG क्या क्या है, मतलब एज पेपर का ड्यूरेशन कितना है, तो वो सब तो अपने नॉर्मल पता ही है बेसिक। और इसमें मतलब दिया हुआ है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट डज अ कैंडिडेट हैव टू क्लियर FMG, तो इसमें बेसिकली बहुत सारे मतलब आंसर्स भी दिए गए हैं कि मतलब ओनली 3 पेपर्स कैन बी गिवन बाई एनी स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सिर्फ 3 अटैम्प्ट ही हम लोग दे सकते हैं FMG के लिए, हम लोग मल्टीपल अटैम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि सिर्फ 3 बार में ही FMG क्लियर करना चाहिए। मेरा खुद का अभी ये 3rd अटैम्प्ट है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद इंटर्नशिप के रिलेटेड भी मतलब उन्होंने सारे डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें मतलब एक बार देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, कमेंट में भी बता देना, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें दिखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग थियरी सब्जेक्ट का ही दे सकते हैं,
ऑफलाइन में प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट है यूनिवर्सिटी की साइड से जो भी एफिलेटेड हॉस्पिटल्स रहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ MBBS। तो ये तो एक नॉमिनल चीज़ है कि हम लोग जो थियोरिकल सब्जेक्ट रहेंगे वो ऑनलाइन ले सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल वर्क होगा हम लोग को ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा और वो कंपलसरी है। तो अभी सेकंड ड्राफ्ट देखते हैं कि सेकंड ड्राफ्ट में मतलब क्या दिया गया हुआ है, जो कि 2021 के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं, जो 18 नवंबर के बाद जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उन पे कौन कौन सी चीज़ें लागू पड़ेगी। मोस्टली स्पेसिफिक वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड होगा, तो वो भी देख लेते एक बार। अभी आ गया FMG covered by National Medical Council Foreign Regulation 2021। तो who is foreign medical graduate? तो basically वो person जो कि मतलब अपना primary qualification पार करने चाहते हैं। फिर who is exempt from provisional FMG regulation rule? तो इसमें लिखा हुआ है कि 18 नवंबर से पहले जो गए होंगे उनके ऊपर 2002 का लागू पड़ेगा, उसके बाद वालों के ऊपर नया रूल लागू पड़ेगा। तो ये भी मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो एक बार। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी एक और पॉइंट था इसके अंदर कि हाँ वन मिनट का इसमें आपको बता देता हूँ, ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप तो 12 मंथ का होना चाहिए। हाँ, एक ये 14 जो क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप अभी मैंडेटरी कर दी है, तो अगर आप चाइना फिलीपींस कहीं से भी इंटर्नशिप करके आते हो तो वो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, आपको कंपलसरी 12 मंथ का इंटर्नशिप इंडिया में कंपलसरी करना होगा। आप कहीं से भी करके आओ, बट अभी मैंडेटरी है कि आपको 12 महीने का इंटर्नशिप इंडिया में करना ही करना है, आपका पहले का इंटर्नशिप लागू नहीं होगा। फिर अभी जो भी क्राइटेरियाज वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है इंटर्नशिप के लिए, तो वो सारा कुछ दिया गया है। प्लस सेम चीज़ ऑनलाइन क्लासेस वाला यहाँ पे भी रिपीट किया गया है। तो इसी के साथ गाइस सारे मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे आई गेस। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, या तो कमेंट नीचे बता सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मेरे जो भी मेरा रेवेन्यू है, मतलब मैं एनालाइज करता रहता हूँ अपनी वीडियो को, तो उसमें 88% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे नीचे गए बेल, रेड कलर का जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी रहे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।